हे एवरीवन, मैं हूं सीएमए धनराज। कैसे हैं आप सब लोग? होप सो आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि एक अकाउंटेंट के लिए कौन सी चीज़ें आधार होती हैं अकाउंटिंग करने के लिए। हर वो अकाउंटेंट जो अकाउंटिंग करता है, अगर वो अपने अपने रूल्स बना ले, अपनी अपनी अजम्पशंस बना लें, अपने अपने प्रिंसिपल्स बना लें, तो अकाउंटिंग हर कंपनी की अलग अलग होगी। अगर हम चाहते हैं कि हर कंपनी, हर ऑर्गेनाइजेशन एक जैसी अकाउंटिंग करे, तो इसके लिए ज़रूरी है कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स, अजम्पशंस या कॉन्सेप्ट्स की जो सारे अकाउंटेंट एक जैसे यूज़ करें, ताकि हमारी अकाउंटिंग कैसी हो, यूनिफॉर्म हो, एक कंपनी को दूसरी कंपनी के साथ कंपेयर किया जा सके, जिसका रेलेवेंस हो। जिसको हमने पढ़ा था, एक अच्छी अकाउंटिंग का क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होना चाहिए, वो उसका रेलेवेंस हो, उसको कंपेयर किया जा सके, उसको आसानी से समझा जा सके, तो ये सारी चीज़ें उसमें होना बहुत ज़रूरी है। तभी अकाउंटिंग हमारे लिए, एक स्टेक होल्डर के लिए यूजफुल होगी। तो गाइज, आज के इस चैप्टर में हम देखेंगे कि किस तरीके से अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स डिफाइन किए गए हैं, कौन से कॉन्सेप्ट्स के ऊपर अकाउंटिंग बेस्ड होती है, या कौन से कॉमन रूल्स हैं, कॉमन कॉन्सेप्ट्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं जो एक अकाउंटेंट यूज करता है, और एक अकाउंटेंट की अकाउंटिंग दूसरे अकाउंटेंट की अकाउंटिंग जैसी ही होती है, या एक कंपनी की अकाउंटिंग को दूसरी कंपनी की अकाउंटिंग के साथ कंपेयर किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। As discussed in the previous chapter, जो कि हमने ऑलरेडी हम पहले पढ़ चुके हैं, अकाउंटिंग इज कंसर्न्ड विद द रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, ये चीजें हम देख चुके हैं कि अकाउंटिंग किससे संबंधित है, रिकॉर्डिंग से संबंधित है, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स, इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ। इट एम्स टू प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द फर्म टू इट्स वेरियस यूजर्स सच एज ऑनर, मैनेजर, एम्प्लॉय, पार्टनर्स, इसके अलावा जो भी इन्वेस्टर्स वगैरह हैं उनके लिए इंफॉर्मेशन अवेलेबल करवा पाते हैं। सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड टैक्स अथॉरिटीज एंड हेल्प देम टू टेकिंग द इंपॉर्टेंट डिसीजंस। किसी भी कंपनी की अकाउंटिंग के बेस पर ही कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई व्यक्ति ये डिसीजन ले पाता है कि ये कंपनी अच्छी है या बुरी है, प्रॉफिट गेनिंग है या लॉस गेनिंग है, या इसके अलावा ये कंपनी फ्यूचर में इसका ग्रोथ कैसा होगा, इसका पास्ट रिजल्ट कैसा था, ये सारी चीजों को एक इन्वेस्टर, एक पर्सन इजिली अकाउंटिंग की हेल्प से समझ पाता है गाइस। तो यहां पर द इन्वेस्टर फॉर एग्जांपल मे बी इंटरेस्टेड इज नोइंग टू एक्सटेंड द प्रॉफिट और लॉस अर्न्ड बाय द फर्म। एक इन्वेस्टर जानना चाहता है कि फर्म को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। इसके अलावा बाय द फर्म ड्यूरिंग द गिवन पीरियड एंड कंपेयर्स इट विद द परफॉर्मेंस ऑफ अदर सिमिलर एंटरप्राइज, यानी कि कंपेरेबिलिटी, वो दूसरी कंपनी के साथ इसे कंपेयर करना चाहता है। द सप्लायर ऑफ क्रेडिट, जो उधार देता है हमको, सेज अ बैंक में एडिशन बी इंटरेस्टेड इन द लिक्विडिटी पोजिशन ऑफ द एंटरप्राइज, वो उसकी लिक्विडिटी जानना चाहता है, कंपनी की तरलता जानना चाहता है, कंपनी के पास कितना कैश है, कितने एसेट्स हैं। ऑल दीज पीपल्स लुक फॉरवर्ड टू अकाउंटिंग, अगर हम बात करें, लुक फॉरवर्ड टू अकाउंटिंग अप्रोच यूजफुल एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन, यूजफुल एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन फॉर मेकिंग द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन meaningful to its internal and external user, it is important that such accounting information is reliable as well as comparable, guys. Reliable हो और comparable हो। The comparability of information is required both to make inter-firm comparison, ताकि हम एक दूसरे के साथ compare कर सकें, comparison कर सकें, and that is to see how the firm has to perform the compared to other firm. As well as to make inter-period comparison भी हम कर सकें। That is how it is performed by the compared the previous year. This become possible only if the informations provided by the financial statement is based on consistent accounting policies. ये तभी possible है guys। हम ये तभी possible कह सकते हैं जब हर company, जब दो company जिनके बीच में हम comparison कर रहे हैं, वो एक जैसी policies, एक जैसे principles use करते हैं। Principles and practices such consistency is required throughout the process of identifying the events, transactions to be accounted for, measuring them, communicating them in the books of accounts, summarizing the result thereof,
एंड रिपोर्टिंग देम टू द इंटरेस्टेड पार्टीज. दिस इज कॉल्ड फॉर डेवलपिंग प्रॉपर थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग. ये तभी संभव है, तभी विकसित हो सकती है ये चीज, जब हम एक प्रॉपर थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग को यूज करें. द इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग थ्योरी नीड नॉट टू बी ओवर इम्फेज ऑन. नो डिसिप्लिन कैन बी डेवलप्ड विदाउट अ साउंड थ्योरेटिकल बेस. हम कह सकते हैं जब तक एक बेस, एक आधार खड़ा नहीं हो सकता, जब तक कि आप सभी कंपनीज को एक कॉमन थ्योरेटिकल बेस ऑफ अकाउंटिंग को यूज करने की अनुमति या यूज करने का ऑप्शन या विकल्प नहीं देते हो. द थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग कंस्टेंट ऑफ प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट, रूल्स, रेगुलेशंस, गाइडलाइंस डेवलप्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी टू द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग एंड एनहांस इट्स यूटिलिटी टू डिफरेंट यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन. तो हम कह सकते हैं अगर हमको अपने यूजर्स के लिए उसकी यूटिलिटी को बढ़ाना है, उसके कंपेरिजन उसका हम कह सकते हैं कि दोनों पार्टीज के लिए यूजफुल बनाना है, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल के लिए, तो हमें चाहिए एक थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, जो कि इस चैप्टर में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं गाइस. अपार्ट फ्रॉम दीज, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ICAI, विच इज द रेगुलेटरी बॉडी ऑफ द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज इन द कंट्री, has issued accounting standard which are expected to be uniformly adhered to the order to bring consistency in the accounting policies. These are discussed in this section. Yeah, these are discussed below. तो हम कह सकते हैं guys, हमने क्या देखा, क्या जरूरत है accounting policies की. तो अगर accounting policies नहीं होंगी तो दो कंपनियां अपने अपने तरीके से accounting करेंगी, जिसकी वजह से उनका relevance एक common investors के लिए कम हो जाएगा. दूसरी चीज, उनका उनको कंपेयर करना मुश्किल हो जाएगा, और ये तभी संभव है जब दोनों कंपनियां एक जैसी अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो करें. इसीलिए हमने कुछ कॉमन अकाउंटिंग पॉलिसीज या इनको कह सकते हैं प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट, कन्वेंशंस यहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं. तो इसके लिए बनाए गए हैं जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं. A widely accepted act, widely accepted set of rules, conventions, standards and procedure for reporting financial information as established by the Financial Accounting Standards Board are called generally accepted accounting principles. These the common set of accounting principles. ये common set of accounting principles है, ये rules हैं जो सभी companies के लिए, हर एक organization के लिए same रहेंगे. स्टैंडर्ड प्रोसीजर दैट कंपनी यूज टू कंपाइल देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिनके आधार पर एक कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करेगी. गैप आर कॉम्बिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स. गैप क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स है सेट बाय पॉलिसी बोर्ड, जो भी हमारा ICAI है, एंड सिंपली द कॉमनली एक्सेप्टेड बाय बेस ऑफ रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन. गैप इज टू बी फॉलोड बाय द कंपनी सो दैट इन्वेस्टर्स have a optimum level of consistency, yani har level of matlab ek company ko dusri company ke sath compare karne pe consistency bani rahe, ek roopta aaye, uniformity aaye. Statement they are used when analyzing companies for investment purpose. Gap over such aspects like revenue recognitions, balance sheet items, classification, outstanding and share measurement. Hum yahan pe keh sakte hain ki bahut sare concepts yahan par hum dekhenge taki ek investor ek company ko dusri company ke sath easily compare kar sake, ek investor ek company ko dusri company ke compare mein dekh sake ki kiska profit zyada hai, kiska loss zyada hai, kiski financial position achhi hai, kiski kharab hai. Ye sari cheeze wo tabhi dekh sakta hai jab aap dono ko same अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हो, अकाउंटिंग की गई हो, दोनों की अकाउंटिंग एक जैसे रूल्स को फॉलो करते हो की गई हो. यार सिंपल सा फंडा है गाइस, आप एक कॉमर्स के स्टूडेंट को कॉमर्स के स्टूडेंट के साथ कंपेयर कर सकते हो अगर वो सेम बोर्ड में. लेकिन अगर हम ऐसा कहें कि एक बच्चा MP बोर्ड का है और एक CBSE का है, एक ICSE का, तो यहां पर बोर्ड अलग अलग हो जाएंगे, उनको इक्वल कंपेयर नहीं किया जा सकता क्योंकि दोनों ने एग्जाम अलग अलग दिए हैं, दोनों का बोर्ड का पैटर्न अलग अलग हो सकता है. लेकिन अगर एक ही जैसा होता सबका पैटर्न, तो हम इजीली उनको कंपेयर कर पाते और कह पाते कौन ने किसने अच्छा परफॉर्म किया है. अगर हम कहते हैं कि यहां पर दो बच्चे हैं गाइस, एक है, शिकायत आई है कि रेड कलर दिखता नहीं है, ठीक है, यहां पर हमारे पास दो बच्चे हैं, एक है रामू और एक है श्यामू,
रामू और श्यामू दोनों ही 12th क्लास के स्टूडेंट हैं, 12th कॉमर्स के स्टूडेंट हैं और दोनों सेम बोर्ड के स्कूल हैं, जैसे हम कह सकते हैं दोनों का सेम बोर्ड है और दोनों ने मान के चलो 2020 में एग्जाम दिया है। अब इसका रिजल्ट 70% है और इसका रिजल्ट 80% है, तो आप कह सकते हो ना कौन बेस्ट है गाइस, श्यामू बेस्ट है, या हम कह सकते हैं दोनों में श्यामू ने अच्छा परफॉर्म किया है। लेकिन अगर ये बच्चा एमपी बोर्ड का है और ये यूपी बोर्ड का है और अब इनका रिजल्ट आता है 70-80, आप ये नहीं कह सकते कि दोनों में से श्यामू अच्छा है। हो सकता है यूपी बोर्ड का पैटर्न ईजी हो या यूपी बोर्ड में जो पैटर्न आया था उसके अकॉर्डिंग मार्क्स स्कोर करना बड़ा आसान है। तो ये सारी चीजें यहां पर कंपेयर करने में प्रॉब्लम करती हैं जब दो लोग अलग तरीके से पॉलिसीज या अलग पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। लेकिन अगर दोनों सेम पैटर्न फॉलो कर रहे थे, दोनों सेम बोर्ड के थे, तो हम कह सकते थे श्याम अच्छा है। लेकिन जब दोनों अलग अलग बोर्ड के स्टूडेंट है तो हम कह नहीं सकते कि श्याम अच्छा है या राम अच्छा है। इसीलिए हम लोगों को चाहिए कि कंपनियां एक जैसी अकाउंटिंग करें ताकि उनका डेटा कंपेरेबल हो, रिलायबल हो, उसमें कंसिस्टेंसी हो, यूनिफॉर्मिटी हो। तो हम लोगों को चाहिए कुछ ऐसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स जो सबके लिए कॉमन हो, और इसी कमी को दूर करता है गैप। अब हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का यहां पर क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं गाइस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये सारे प्रिंसिपल्स एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि किस प्रिंसिपल का क्या मतलब है, वो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है या फिर 11th 12th का एग्जाम। तो यहां पर क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जिसको मैंने क्लासिफाई किया तीन पार्ट में क्लासिफाई करने का, इनके अलग अलग कैटेगरी में इनको बांटा गया। सबसे पहला बेसिक अजम्पशंस हैं, सबसे पहला जो हमारा फर्स्ट पार्ट है बेसिक अजम्पशंस ऑफ अकाउंटिंग है। यहां पर बेसिक अजम्पशन ऑफ अकाउंटिंग में कौन कौन सी अजम्पशंस हैं, बेसिक प्रिंसिपल्स जिनको हम कहते हैं। सबसे पहला है बेनिस एंटिटी कॉन्सेप्ट, यहां पर कुछ ये जो पहला है यहां पर एरर करेक्ट कर लेना गाइस, ये जो है ये है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, दूसरा है गोइंग कॉन्सर्न कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, अक्रूअल कॉन्सेप्ट, ये बेसिक अजम्पशंस ऑफ अकाउंटिंग है। दूसरा बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग की बात करें तो रेवेन्यू रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट है, मैचिंग कॉन्सेप्ट है, फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट है, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव एविडेंस कॉन्सेप्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, बैलेंस शीट इक्वेशन कॉन्सेप्ट, और यहां पर मॉडिफाइंग प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग की अगर हम बात करें तो मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट, टाइमलीनेस कॉन्सेप्ट और इंडस्ट्री प्रैक्टिस कॉन्सेप्ट। तो यहां पर इतने सारे कॉन्सेप्ट जो कि हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं, ये एक एक करके हम देखेंगे क्योंकि ये चैप्टर ही है थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। यही वो थ्योरीज हैं जो कई बुक में एकदम सिंपली अगर हम बात करें तो उन्होंने 1 2 3 करके दे दिया है, उन्होंने क्लासिफिकेशन नहीं किया। यहां पर हमने क्लासिफिकेशन किया है क्योंकि एग्जाम में आ सकता है कि भाई बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग कौन से हैं, मॉडिफाइंग प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग कौन से हैं, बेसिक अजम्पशंस ऑफ अकाउंटिंग कौन सी हैं, इसीलिए हमने यहां पर क्लासिफिकेशन किया है गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझते हैं और देखेंगे कि कॉन्सेप्ट क्यों बनाए गए हैं और किस कॉन्सेप्ट का क्या है मतलब, तो ये यहां पर हमको देखना है। तो बेसिक अजम्पशंस ऑफ अकाउंटिंग में पहला कॉन्सेप्ट है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट को मैं पहले भी कई बार समझा चुका हूं बच्चों को बेसिक चैप्टर में भी, लेकिन यहां पर हम इसको डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है गाइस कि एक तरफ आपके पास
एक कंपनी है या शॉप है और एक तरफ एक पर्सन है, फॉर एग्जाम्पल यहां पे ये एक पर्सन है, ठीक है, यहां पे हमने ये रख लिया इनको, ये एक बंदा है, ठीक है, ये एक बंदा है जिसने क्या किया है, ध्यान दीजिएगा, इस फर्म को स्टार्ट किया, ये जो है देवेंद्र सर है, ये देवेंद्र सर हैं, और ये देवेंद्र सर ने क्या किया है, ये इनका क्लास है, डीएस क्लासेस, ये इनका इन्होंने एक क्लास ओपन किया है। तो गाइस बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि देवेंद्र सर इज डिफरेंट फ्रॉम डीएस क्लासेस, ये देवेंद्र सर और देवेंद्र क्लासेस एक नहीं है, इसका मतलब ये है बोथ आर डिफरेंट पर्सन, यानी कि ये खुद एक बिजनेस, खुद एक पर्सन है, ये किस कैसा है, ये एक व्यक्ति है, ये खुद एक व्यक्ति है और ये कैसा व्यक्ति है, आर्टिफिशियल पर्सन है। तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि हम ये मानेंगे कि ऑनर अलग है और बिजनेस अलग है, तभी इनके द्वारा लगाया गया पैसा, जो बिजनेस में इन्होंने जो पैसा इन्वेस्ट किया है, इस कॉल्ड कैपिटल, इस तरीके से दिखाया जाएगा बिजनेस के लिए क्या होगी, लाइबिलिटी होगी, और इसे सेपरेट अकाउंट कैपिटल के नाम से हम शो करते हैं। अगर देवेंद्र सर ने कुछ पैसा विड्रॉ कर लिया इस बिजनेस से, तो उसको भी हम कह सकते हैं कि एक सेम, एक अलग नाम से दिखाया जाता है जिसको हम कहते हैं ड्रॉइंग, यानी कि देवेंद्र सर जो भी पैसा लगा रहे हैं, बिजनेस उसे ऐसे ट्रीट कर रहा है जैसे कि देवेंद्र सर यानी मेरे ऑनर ने नहीं, मेरे मालिक ने नहीं, मुझे किसी आउटसाइडर ने पैसा दिया है। देवेंद्र सर जब पैसा निकाल रहे हैं तब वो ऐसे ट्रीट कर रहा है कि मैंने अपने मालिक को नहीं, मैंने किसी आउटसाइडर को पैसा दिया है, क्योंकि तभी हमारी अकाउंटिंग ज्यादा रिलायबल, ज्यादा भरोसेमंद और ज्यादा ट्रस्टवर्दी हो पाएगी। क्योंकि अगर ऐसा किया कि हमारा मन जब पैसा लगाना है लगा दिया, हमारा मन जब पैसा निकालना है निकाल दिया, तो इससे क्या होगा, अकाउंटिंग गड़बड़ हो जाएगी गाइस। तो ये कॉन्सेप्ट कहता है, ये कॉन्सेप्ट कहता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। दिस कॉन्सेप्ट वन सेकंड गाइस, दिस कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन दैट द बिजनेस डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स प्रोप्राइटर, दस द ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस ओनली आर टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो हम कह सकते हैं द ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस ओनली हम बिजनेस में, बिजनेस की बुक्स में लिखेंगे, मालिक अलग है और बिजनेस अलग है, और मालिक ने अगर कुछ पैसा बिजनेस को दिया और बिजनेस से कुछ पैसा लिया, तो हम ऐसे ट्रीट करेंगे जैसे कि हम आउटसाइडर के साथ ट्रांजेक्शन कर रहे हो गाइस। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है गाइस, गोइंग कॉन्सर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कॉन्सर्न कॉन्सेप्ट क्या है, गोइंग कॉन्सर्न कॉन्सेप्ट यह कहता है कि बिजनेस जो है वो किसी एक दिन नहीं चलने वाला, या बिजनेस को यह माना जाता है कि बिजनेस भविष्य में चलता रहेगा, यह एज्यूम करके अकाउंटिंग की जाती है कि बिजनेस कभी बंद नहीं होगा। अगर बिजनेस बंद होगा भी तो अकाउंटिंग बंद तब तक नहीं होगी जब तक कि बिजनेस बंद नहीं हो जाता, यानी कि अकाउंटिंग यह सोच के की जाएगी कि बिजनेस अनंत काल तक, फ्यूचर में लॉन्ग लाइफ है बिजनेस की, और अनसर्टेन टाइम तक, इंडेफिनाइट टाइम तक चलता रहेगा, यानी बिजनेस की लाइफ कैसी है, अनंत काल तक चलता रहेगा, और यही सोच के अकाउंटिंग की जाती है। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं गोइंग कॉन्सर्न कॉन्सेप्ट। तो अकाउंटिंग अगर ये सोच के की जाए, अरे हम तो 6 महीने बाद बिजनेस को बंद कर देंगे, तुम अकाउंटिंग पहले ही बंद कर दोगे, इसीलिए अकाउंटिंग को हमेशा ये माना जाता है कि जब तक बंद नहीं हो जाता करते रहो। इवन ये होता है गाइस कि बिजनेस में अकाउंटिंग शुरू, बिजनेस होने से पहले अकाउंटिंग शुरू हो जाती है और बिजनेस खत्म होने के बाद तक चलती रहती है, हिसाब किताब तो होता रहता है। तो चलिए देखिए क्या है कॉन्सेप्ट, गोइंग कॉन्सर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कॉन्सर्न कॉन्सेप्ट क्या कहता है, द कॉन्सेप्ट इज गोइंग कॉन्सर्न अज्यूम दैट बिजनेस फर्म वुड कंटिन्यू टू कैरी आउट इट्स ऑपरेशंस इनडेफिनाइटली, यानी कि फॉर फेयरली लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड वुड नॉट बी लिक्विडेटेड इन द नियर
फ्यूचर। तो दूसरा हमने जो कॉन्सेप्ट देखा, ये कॉन्सेप्ट कहता है कि नियर फ्यूचर यानी कि निकट भविष्य में तो कंपनी बंद नहीं होगी, या कंपनी लिक्विडेट का मतलब कंपनी पे ताला नहीं लगेगा, कंपनी अपना व्यापार बंद नहीं करेगी। दूसरा नेक्स्ट पॉइंट है सी पॉइंट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या कहता है, आइए देख लेते हैं। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट कहता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट में उसी ट्रांजेक्शन को लिखा जाएगा जो किस में होगा, इन, जैसे हम इंडिया की बात करें तो जो इन रुपीज में होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं कि मैंने एक सर्विस दी रुपीज के बदले, तो लोग पूछेंगे कितने रुपीज में। मैंने कहा नहीं ये छोड़ो, तुम बस एंट्री करो, तो क्या तुम एंट्री कर सकते हो? पॉसिबल नहीं है। यानी कि रुपीज के बाद आपको अमाउंट लिखना पड़ेगा गाइस, क्या अमाउंट है, यानी कि हर वो चीज जो आपने, वही ट्रांजेक्शन अकाउंटिंग में रिकॉर्ड किए जाएंगे जिन्हें मनी में मेजर किया जा सकता है, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर हम उनको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। यानी नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो चलिए देखते हैं मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। दिस कॉन्सेप्ट ऑफ मनी मेजरमेंट स्टेट दैट ओनली दोज ट्रांजेक्शंस, ओनली दोज ट्रांजेक्शंस जो कि ओनली दोज ट्रांजेक्शंस एंड हैपनिंग्स इन द ऑर्गेनाइजेशंस विच कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी आर टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ऑल्सो द रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रांजेक्शंस आर टू बी कीप्ड नॉट इन द फिजिकल यूनिट्स बट इन द मॉनेटरी यूनिट्स। हमें इससे कोई मतलब नहीं है वो सामान कितना है, कितने का है, कितना क्वांटिटी है, हमें मतलब है भाई पैसा, रोकड़ा, रोकड़ा बोलो, कितने का खरीदा, कितने का बेचा, कितना अमाउंट इन्वॉल्व हो रहा है, इस चीज से हमको मतलब है। समझा कि नहीं समझा बच्चों? डेफिनेटली आपको समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आए तो ये वीडियो फिर से देखना, मेरे शब्दों को फिर से सुनना, क्योंकि ये वीडियो मैंने बनाया ही आप लोगों के लिए है। ठीक है सर, आपने बनाया है लेकिन हमारे पास टाइम कहाँ है? बेटा टाइम तो तुम्ही को निकालना पड़ेगा, ठीक है? अगर तुम टाइम नहीं निकाल सकते पढ़ने के लिए तो फिर पढ़ी क्यों रहे हो? अरे आपका काम ही है घर पे बैठ के पढ़ना, आपको कौन सा जॉब करने जाना है कहीं पे? ठीक है, इलेवेंथ के स्टूडेंट हो, अच्छे से पढ़ाई करो, लाइफ अगर चाहते हो ब्राइट हो। नेक्स्ट पॉइंट जो कि है द अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट कहता है कि एक सर्टेन अकाउंटिंग पीरियड को कंपनी को फॉलो करना चाहिए। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि एक पर्टिकुलर पीरियड की अकाउंटिंग आपको सर्टेन करनी है या निश्चित करनी है। ऐसा नहीं कभी आपने 3 महीने की अकाउंटिंग की, कभी 1.5 महीने की अकाउंटिंग कर मारा, कभी आपने 20 महीने की अकाउंटिंग कर ली एक साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी कि बिजनेस आर लिविंग कंटिन्यूस ऑर्गेनिज्म, द स्प्लिटिंग ऑफ कंटिन्यूस स्ट्रीम ऑफ बिजनेस इवेंट्स इनटू टाइम पीरियड्स इज दस समवॉट आर्बिट्ररी। देयर इज नो सिग्निफिकेंट चेंज जस्ट बिकॉज इन अकाउंटिंग पीरियड एंड्स एंड न्यू वन बिगिंस। दिस रिजल्ट इनटू द मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम ऑफ अकाउंटिंग, हाउ टू मेजर द नेट इनकम ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। वन हैज टू बी केयरफुल इन द रिकॉग्नाइजिंग रिवेन्यू एंड एक्सपेंसेस ऑफ द पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड। सब्सिक्वेंट सेक्शंस ऑफ अकाउंटिंग प्रोसीजर्स विल एक्सप्लेन हाउ वन गोज अबाउट इन द प्रैक्टिस। अगर फॉर एग्जाम्पल आपने कभी क्या किया, 6 मंथ की अकाउंटिंग कर ली, कभी आपने किया 6 मंथ की अकाउंटिंग कर ली, कभी आपने 12 मंथ की अकाउंटिंग कर ली, कभी आपने 15 मंथ की अकाउंटिंग कर ली, और फिर कंपेयर करने बैठ गए कि भाई यहां तो प्रॉफिट जो हुआ था वो हमको 5 लाख हुआ, और यहां 12 महीने में ये नहीं देख रहे हो कि 12 महीने का बोले अरे प्रॉफिट यहां पर 10 लाख का हो गया है, वेरी गुड, कंपनी ने तो बहुत बढ़िया ग्रोथ की है, और यहां पर जो प्रॉफिट हुआ है उसी प्रपोर्शन में आपने फिर से बढ़ा दिया, बोले कि अरे वाह यहां तो 12.5 लाख का प्रॉफिट हो गया। आपको क्या लग रहा है, वाह कंपनी क्या ग्रोथ कर रही है, कंपनी तो वाह जे कर्व बना रही है। कंपनी क्या बना रही है, जे कर्व बना रही है। कंपनी जे कर्व का मतलब होता है सीधा ऊपर भाग रही। अगर तुम ध्यान से देखो तो यहां कुछ नहीं हो रहा है, कोई कंपनी जे कर्व नहीं बना रही, कंपनी पैरेलल चल रही है। अरे भाई शुरुआत में 6 महीने का प्रॉफिट अगर 5 है तो 12 महीने का 10 ही होगा, और 15 महीने का 12.5 ही होगा। इस बेस पर क्या होता है, इन्वेस्टर बेचारा रॉन्ग डिसीजन ले सकता है,
इसीलिए अगर आप यूनिफॉर्मिटी चाहते हो, हाँ अकाउंटिंग पीरियड चेंज कर सकते हो, लेकिन वैलिड रीजन होना चाहिए, और ऐसा नहीं कि आपका बस रीजन हर दो महीने में चेंज हो रहा है। अकाउंटिंग पीरियड आपने एक बार जो डिसाइड कर लिया, फॉर एग्जांपल हम मार्च से लेकर अप्रैल तक की अकाउंटिंग करते हैं, अप्रैल टू मार्च जो अकाउंटिंग करते हैं, जो 12 महीने की अकाउंटिंग होती है, वो अगर आपने एक बार फॉलो कर रहे हो तो कंटिन्यूसली आपको वही फॉलो करना चाहिए। आपको बार बार आपके अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, आपके अकाउंटिंग टाइम पीरियड को चेंज नहीं करना चाहिए, बिकॉज इन्वेस्टर्स इसके बेसिस पर रॉन्ग डिसीजन ले सकते हैं, और जो कंपनी की जो कंपेरेबिलिटी, रिलायबिलिटी, जो हम कह सकते हैं उसके ऊपर जो ट्रस्ट है लोगों का, वो खत्म हो जाएगा। इसीलिए ये कॉन्सेप्ट लाया गया। नेक्स्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट है, और जो कि अब लास्ट कॉन्सेप्ट यहां पर हम देखने वाले हैं, द एक्रूअल कॉन्सेप्ट। एक्रूअल कॉन्सेप्ट जिसको जिसकी वजह से अकाउंटिंग हम कह सकते हैं इतनी, हम कहते हैं कि अकाउंटिंग ज्यादा ट्रस्टवर्दी है, या जो रिजल्ट है वो सही है। एक्रूअल कॉन्सेप्ट कहता है कि जो खर्चा जिस टाइम पीरियड से उस टाइम पीरियड में लिखना है, वो चाहे पेड हो या पेबल, या जिसको हम कहते हैं आउटस्टैंडिंग, वो इनकम जो जिस टाइम पीरियड से उस टाइम में आना चाहिए, वो चाहे रिसीव हो चुकी हो या रिसीवेबल, प्लस उसमें से जो उस टाइम पीरियड से रिलेटेड खर्चा नहीं है, जो उस टाइम पीरियड से रिलेटेड इनकम नहीं है, उसे हटा देना चाहिए, तभी हमारी जो अकाउंटिंग है वो ज्यादा ट्रस्टफुल और उस पर ज्यादा हम भरोसा कर सकते हैं होगी। फॉर एग्जाम्पल इसको इस तरीके से हम लेते हैं कि हमारे पास ये पूरा एक साल है, ये पूरा एक साल है गाइस। अब यहां पर कुछ आउटस्टैंडिंग सैलरी थी जो तुम यहां जाके पे करोगे नेक्स्ट ईयर में, ये करेंट ईयर, और ये क्या कहलाता है, प्रीवियस ईयर। यहां की आउटस्टैंडिंग सैलरी जो यहां पे करोगे उसे यहीं ऐड करना चाहिए करेंट ईयर में। यहां का तुम्हारा इंटरेस्ट एक्रू हो चुका है, या जिसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट ड्यू हो चुका है, एक्रू हो चुका है। एक्रू का मतलब इंटरेस्ट एक्रू बट नॉट रिसीव, यानी इंटरेस्ट अर्न हो गया बट अब वो यहां के मिलेगा, रिसीव कहां होगा, यहां, लेकिन आपको उसको यहीं ऐड कर लेना चाहिए। प्लस कोई यहां का खर्चा, यानी नेक्स्ट ईयर का खर्चा तुमने इस साल पे कर दिया, एडवांस सैलरी किसी को दे दी, उसको माइनस कर देना चाहिए। कोई एडवांस इनकम आपको रिसीव हो गई, उसको एडवांस इंटरेस्ट मिल गया, या रेंट रिसीव हो गया, उसको माइनस कर देना चाहिए। या लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग आपने इस साल पे किया, यहां पर आके पे किया, तो उसको माइनस कर देना चाहिए। लास्ट ईयर का कुछ आउटस्टैंडिंग या एक्रू इनकम हमको यहां रिसीव हो रही है, उसको लास्ट ईयर की एक्रू, तो उसको ऐड कर लेना चाहिए, क्योंकि जो इनकम इस साल की है, सॉरी, जो लास्ट ईयर की एक्रू इनकम थी, वो जो यहां मिली है, उसको माइनस कर देना चाहिए। यानी कि सिंपली अगर मैं आपसे कहूं तो वही चीजें यहां पर दिखानी है करेंट ईयर में जो इस साल से रिलेटेड है, चाहे वो पे हो या पेबल, चाहे वो रिसीव्ड हो या रिसीवेबल्स। अगर वो एडवांस हैं तो उनको हटा देना चाहिए, और आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड को कंसीडर करना चाहिए। लास्ट ईयर के आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड को हटा देना चाहिए, लास्ट ईयर के एडवांसेस को इस साल ऐड कर लेना चाहिए, क्योंकि जो इस साल से संबंधित है गाइस, सिंपली मैं आपसे कह रहा हूं कि इस टाइम से संबंधित जो भी आइटम है वो यहां पे रिकॉर्ड होना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि वो किस टाइम पीरियड में दिए गए थे या लिए गए थे, हमें बस ये देखना है वो किस समय से संबंधित थे। अगर करेंट, इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं एक्रूअल कॉन्सेप्ट। आइए देख लेते हैं कॉन्सेप्ट क्या कहता है। द एक्रूअल कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन रिकॉग्निशन ऑफ बोथ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन। इन केस ऑफ कैश ट्रांजेक्शन ऑनर्स इक्विटी इंस्टेंटली इफेक्टेड एज कैश आइदर इज रिसीव्ड और पेड। In credit transactions, however, a mere obligations toward a or by the business is created. When credit transaction exists, which is generally the case, revenue are not same as cash received or expenses are not same as cash paid during the period. ऐसा होता है कि खर्चा तो हो गया लेकिन हमने दिया नहीं है, तो definitely अगले साल देंगे। तो today's accounting system is based on accrual concept. Are called as accrual system, और इसी को कहा जाता है mercantile system of accounting, और यही सबसे अच्छा accounting system है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।